हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आज आप जनता कर्फ्यू पालन कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कोरोना वायरस की लाइफ स्पैन क्या है, यानी कि कोरोना वायरस किस आइटम पर कब तक जिंदा रहता है, ताकि आप अपना और अपने प्रियजनों का ध्यान रख सके और सेफ्टी का भी ख्याल रख सके। मैं हूं मौमिता और स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जायका सेलर ज्ञान पे। कोरोना वायरस की वजह से अभी देश में इमरजेंसी जैसा हालत हो गया है। हमारी और आपकी, हम सब की बिजनेस भी इसे इफेक्ट हो रहा है। तो ऐसे में हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। प्रिकॉशन लेके आप सेफ रह सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता ही है कि कोरोना वायरस स्प्रेड कैसे होता है। कोरोना वायरस स्प्रेड एयरबोन ड्रॉपलेट से होता है, यानी कि इन्फेक्टेड इंसान की छींक और खांसी से आपके हाथ और मुंह के माध्यम से आपको इन्फेक्ट करता है। हाल ही में रिसर्चर ने कोविड-19 पर डिफरेंट सरफेस रिपोर्ट पब्लिश किए हैं न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में, और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना की एपिडेमियोलॉजिस्ट भी इस इंफॉर्मेशन को साझा किए हैं। और हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस किस सरफेस पर कब तक जिंदा रहता है। जैसे कि हवा में 3 आवर्स तक ये वायरस जिंदा रह सकता है। तांबे की आइटम जैसे तांबे की बर्तन, ग्लास या बॉटल पर 4 आवर्स वायरस जिंदा रह सकता है। पेपर या कार्डबोर्ड जैसे कागज, न्यूज़पेपर, कॉरूगेटेड बॉक्स जैसे सरफेस पर 24 आवर्स तक ये वायरस जिंदा रह सकता है। कपड़े, रुमाल जैसे सरफेस पर 24 to 30 आवर्स तक वायरस जिंदा रह सकता है। स्टेनलेस स्टील एंड मेटालिक और ग्लास जैसे सरफेस, जो स्मूथ सरफेस होता है, उसमें 2 से 3 दिन तक ये वायरस जिंदा रह सकता है। प्लास्टिक सरफेस पर ये वायरस 3 से 4 दिन तक जिंदा रह सकता है। तो आशा करती हूँ दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर प्रिकॉशन मेंटेन करने में हेल्प करेगा, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रियजनों और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और अपना हैंड रेगुलरली वॉश करें या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र ज़रूर यूज़ करें। अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका समय सेफ रहे।